बेगूसराय की नगर विधायक की पड़ताल पर निकले हमारे संवाददाता कृष्णा वल्लभ नारायण ये पता करते हैं कि विधायक जी फेल हैं या पास। हम करेंगे इसकी पड़ताल, क्योंकि विधायक सीधे तौर पर जनता के द्वारा चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि हैं। बावजूद इसके शहर विकास के लिए उपेक्षित का शिकार है। बेगूसराय विधानसभा से पहली बार विधायक बनी कांग्रेस विधायिका अमिता भूषण पिछले 5 सालों में विकास की कितनी ईंट जोड़ पाई हैं, हम इस बात की करेंगे पड़ताल। इन पर आरोप है कि इन्होंने जनता से सिर्फ बड़े बड़े वादे किए। अमिता भूषण पूर्व सांसद चंद्रभानु देवी की पुत्री हैं। जनता कहती है कि ये सिर्फ राजनीतिक विरासत का फायदा उठा रही हैं। पिछले 5 साल में ये ना तो काम से लोकप्रिय हुई और ना ही अपने व्यवहार से पहचान बना पाई। कांग्रेस विधायक अमित भूषण पर आरोप है कि ये तारीफ करने वालों का ही काम करती हैं। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, टूटी सड़कों को ये आज तक ठीक नहीं करवा पाई। ये जो जलजमा आप देख रहे हैं, ये नाले का गंदा पानी है जो हमेशा यहाँ पे जमा रहता है, और बावजूद इसके यहाँ पे नगर विधायिका की बात करें तो विकास के कितने ईंट जोड़े गए हैं ये दिखाना होगा। और हम लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी नज़र में नगर विधायिका पास है या है फेल। टूटा हुआ है, पानी यही बहता है रोडी पे। कब से देख रहे हैं यार? बहुत दिनों से, 1.5 महीना से हम देख रहे हैं जब से नौकरी कर। तो विधायक यहाँ जो आते हैं वोट लेने के लिए, सिर्फ वोट लेने ही आते हैं कि क्या नाम है, काम भी कर रहे हैं? नहीं, वोटे लेते हैं, काम क्या करते हैं? देख ही रहे, पानी पूरा जमा हुआ है। मतलब कई सालों से जल जमा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा भी वर्षा होता है पूरा रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, जाने आने में काफ़ी परेशानियाँ होती है। आखिर क्या करती है नगर विधायक? नगर विधायक तो आई, देखी फिर चले गई, इस पर कोई एक्शन नहीं है। काम होना चाहिए। अभी जो रोड बनाया गया था इसमें नाला का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए पानी जो है हमेशा रोड क्रॉस करके और खास करके बरसात में देख रहे हैं, महकता हुआ पानी है सामने जमा। पहली बार विधायक होने के बाद भी इनके अंदर काम करने का क्रेज दिखाई नहीं देता, इसलिए राजनीति से इनका पुराना रिश्ता रहा है, या यूं कहें कि राजनीति इन्हें विरासत में मिली है। पिछले 5 सालों में सिर्फ शिलान्यास कर रही हैं। ये जिस काम का शिलान्यास करती हैं, वो काम ना तो ठीक से हो रहा है और ना ही इन्हें इसकी चिंता है। बिहार महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण अमिता भूषण का राजनीतिक कद पार्टी में बड़ा है। महिलाओं के लिए ये कुछ खास नहीं कर पाई, हालांकि माला पहनने वाले कार्यक्रम में जरूर नजर आती हैं। इन पर मीडिया मैनेज करने का आरोप भी लगाया जाता है ताकि इनकी कमियां उजागर ना हो पाए। अमिता भूषण के विधायक बनने के पीछे 2 वजह हैं। पहली वजह, उनकी मां कांग्रेस नेत्री रह चुकी हैं, इसलिए राजनीति उन्हें विरासत में मिली। दूसरी वजह, जब विधायक का चुनाव हुआ था तब इन्हें भूमिहार होने की वजह से इन्हें जीत हासिल हुई थी, क्योंकि इनके विपक्ष में OBC उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता खड़े थे, जिस वजह से जातीय समीकरण भी इनके जीत की एक वजह मानी गई। अमिता भूषण पहले कार्यकाल के 4 साल शहर से दूर रहीं और 5वें साल में जब चुनावी हलचलें शुरू हो गईं, तब विधायिका देहात क्षेत्रों में छोटे छोटे सड़कों का शिलान्यास करने लगी। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें महिला अध्यक्ष बनाया, लेकिन कहा जाता है कि अभी तक अमिता भूषण का परफॉर्मेंस मिला जुला रहा है। 5 सालों में वो संगठन के काम में व्यस्त रही और विधानसभा क्षेत्र में विकास का बयान लाने में असफल रही, यानी वो हमारी पड़ताल में फेल साबित हुई।